हेलो डियर ऑल वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल प्रेजेंट स्मार्ट इंडियन एडुफन क्लासेस एडुफन ऑनलाइन क्लासेस इंक्लूड कोर्स स्टडीज ऑफ प्ले ग्रुप टू क्लास ट्वेल्व इमोशनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स क्लासेस एंड डी एक्टिविटीज भाषा बोली, लिपे और व्याकरण लैंग्वेज डायलेक्ट स्क्रिप्ट एंड ग्रामर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा समस्त प्राणी जगत अपने भावों को प्रकट करता है पशु पक्षी विभिन्न ध्वनियों द्वारा अपने भाव प्रकट करते हैं परंतु मनुष्य ने इन ध्वनियों को व्यवस्थित रूप दिया है आदिम कालीन मानव पशु पक्षियों के समान तरह तरह की आवाजें निकालकर अपने भाव संप्रेषित करता था कालांतर में मनुष्य ने अपनी बुद्धि द्वारा भावों को प्रकट करने का व्यवस्थित साधन खोज निकाला जिसे भाषा कहा गया मूक व्यक्ति इशारों द्वारा अपने भाव प्रकट करता है भाषा शब्द भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना जिन ध्वनियों को बोलकर मनुष्य अपनी बात कहता है उन्हें भाषा कहा जाता है समाज में उन ध्वनियों का एक निश्चित व रूढ़ अर्थ होता है उनका एक निश्चित और व्यवस्थित क्रम होता है भाषा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है कुल मिलाकर भाषा भावों के आदान प्रदान का साधन है भाषा की विशेषता एक भाषा का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान दो भाषा का आधार है मौखिक ध्वनिया तीन ध्वनिया सार्थक शब्दों का निर्माण करती हैं। चार प्रत्येक स्थान की भाषा की अपनी एक व्यवस्था नियम व सिद्धांत होते हैं भाषा के रूप मुख्यतः भाषा के दो रूप हैं। भाषा के रूप मौखिक भाषा लिखित भाषा एक मौखिक भाषा भाषा के इस रूप में बोलकर अपने भाव प्रकट किए जाते हैं भाषा का मूल रूप ही मौखिक भाषा है आज इसके भाषण अभिनय चर्चा नाटक रेडियो प्रसारण दूरभाष तथा दूरदर्शन प्रमुख साधन है भाषण देना दूरभाष पर बातचीत करना नाटक में अभिनय करना दो लिखित भाषा भावों को लिखने द्वारा प्रकट करना लिखित भाषा कहलाता है लिखित भाषा का प्रारंभ कालांतर में हुआ आज इसके पत्र तार समाचार पत्र समस्त साहित्य सूचनाएं, दूरभाष पर संदेश इंटरनेट द्वारा संदेश आदि प्रमुख साधन हैं। पत्र में भाषा का लिखित रूप पुस्तक में भाषा का लिखित रूप टीवी में भाषा का लिखित रूप लिपि मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने की आवश्यकता हुई तो लिपि का विकास हुआ प्रत्येक ध्वनि के लिए ध्वनि चिन्ह निर्धारित किए गए जिन्हें वर्ण कहा कहा गया, गया। तथा वर्णों की सार्थक व्यवस्था को लिपि संसार प्रत्येक भाषा की अपनी ही लिपि होती है जो उसका मानक रूप होता है मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए, गए लेखक चिन्हों को लिपि कहते हैं लिपि की आवश्यकता अपने विचारों भावों और ज्ञान को स्थिर स्थाई और विस्तृत बनाने के लिए लिपि की आवश्यकता पड़ी लिखित भाषा द्वारा ही ज्ञान के भंडार को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है लिपि द्वारा ही हम वेदों शास्त्रों ज्ञान विज्ञान और संसार के प्राचीनतम साहित्य की जानकारी ले पाते हैं यदि लिपि न होती तो संसार का विकास भी न हो पाता लिखित रूप ही भाषा को नियमित और मानक रूप प्रदान करता है हिंदी की लिपि देवनागरी है जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है विभिन्न भाषाएं और उनकी लिपिया भाषा हिंदी मराठी संस्कृत लिपि देवनागरी नेपाली देवनागरी गुजराती मूल ब्राह्मिका परिवर्तित रूप पंजाबी गुरुमुखी अरबी और उर्दू फारसी अंग्रेजी रोमन जर्मन रोमन जापानी रोमन ओडिया उड़िया बंगला, बंगाली विशेष केवल फारसी लिपि ही ऐसी लिपि है जो दाई से ओर को लिखी जाती है भाषा परिवार और भारतीय भाषाएं ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है भाषा परिवार कहलाता है एक ही मूल भाषा से जन्म लेने के कारण उन सभी भाषाओं में कुछ समानताएं होती हैं। विश्व की लगभग तीन हजार भाषाओं को बारह भाषा परिवारों में बांटा गया है भारतीय भाषाएं जिन दो तो भाषा परिवारों में उपजी हैं, वे हैं एक भारत यूरोपीय भारोपीय भाषा परिवार दो द्रविड भाषा परिवार एक भारोपीय भाषा परिवार में संस्कृत एवं हिंदी के साथ संसार की अन्य भाषाएं जैसे ग्रीक जर्मन ईरानी अंग्रेजी रूसी फ्रांसीसी और फारसी आदि भाषाएं सम्मिलित हैं ये सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं। वर्तमान समय में भारत की कुछ भाषाएं इस भाषा परिवार से ही जन्मी हैं जैसे हिंदी सिंधी पंजाबी कश्मीरी गुजराती मराठी उड़िया बंगाली असमिया एवं उर्दू आदि ये सभी भाषाएं संस्कृत से जन्मी हैं दो द्रविड़ भाषा परिवार से दक्षिण भारतीय भाषाएं जन्मी हैं जैसे तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ आदि आज भारत के विशाल क्षेत्र में हिंदी भाषा का ही प्रयोग होता है या कहें कि पूरे भारत की प्रचलित भाषा हिंदी है जिसे समस्त भारतवासी बोल व समझ सकते हैं आज प्रचलित हिंदी को खड़ी बोली नाम दिया गया है और खड़ी बोली ही भारत की मानक भाषा है जो संसार के अनेक देशों में पढ़ी समझी व बोली जाती है हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हिंदी तक की लंबी भाषा यात्रा है एक वैदिक संस्कृत दो लौकिक संस्कृत तीन अपभ्रंश चार हिंदी खड़ी बोली यानी हिंदी अपभ्रंश से विकसित हुई है अपभ्रंश भाषा के अंश आज भी ब्रज शौरसेनी हरियाणवी एवं राजस्थानी भाषा के रूप में है खड़ी बोली उन्नीसवी शताब्दी में खड़ी बोली का विकास हुआ इस समय ही मुद्रण का भी प्रारंभ हुआ ज्ञान विज्ञान और साहित्य लेखन खड़ी बोली हिंदी में प्रारंभ हो गया खड़ी बोली का प्रसार भारत के विशाल क्षेत्र में हुआ और अंततः स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर सन उन्नीस को संविधान के अनुच्छेद तीन में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के कारण हिंदी को अब भारत की राजभाषा मान लिया गया जो कि भारत की पहचान है तथा एकता और राष्ट्रीयता की भावना जागृत करती है आज हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है भारत सूरीनाम फिजी एवं त्रिनेडाट आदि देशों सहित विश्व के लगभग एक देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी में अध्ययन अध्यापन हो रहा है चीनी भाषा के बाद हिंदी भाषा का विश्व में दूसरा स्थान है विशेष दृष्टिबाधित मनुष्यों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ जिसे छूकर वे लोग पढ़ सकते भाषा उपभाषा और बोली एक बोली भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले रूप को बोली कहा जाता है बोली थोड़ी थोड़ी दूरी पर बदल जाती है बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता लोकोक्तियां व मुहावरे बोली की ही देन हैं। बोली में लोकगीतों का बड़ा योगदान है दो उपभाषा उपभाषा का क्षेत्र कुछ बड़ा होता है उपभाषा में कुछ साहित्य लेखन भी होता है एक उपभाषा के अंतर्गत एक से अधिक बोलियां हो सकती हैं तीन भाषा भाषा एक विशाल क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है भाषा में भरपूर साहित्य लेखन होता है भाषा की अपनी नियमावली व्याकरण होता है हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाएं हैं छत्तीसगढ़ी शौरसेनी मारवाड़ी बोलियां हैं तथा ब्रिज अवधि मैथिली उपभाषाएं हैं जो कि हिंदी भाषा का ही अंग हैं। बोली और उपभाषा भाषा को समृद्ध बनाती हैं। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और उनके ग्रंथ लेखक एक चंद बरदाई, ग्रंथ पृथ्वीराज रासो भाषा अपभ्रंश दो अमीर खुसरो खड़ी बोली का प्रथम कवि पहेलियां उलट बासिया खड़ी बोली तीन कबीर बीजक मिश्रित भाषा खिचड़ी भाषा चार मलिक मुहम्मद जायसी पद्मावत अवधि भाषा पांच तुलसीदास रामचरित मानस अवधिभाषा सूरदास सूरसागर ब्रिज भाषा सात मीराबाई मीरा, मीरा ग्रंथावली राजस्थानी ब्रिजमिश्रित हिंदी आठ मैथिली शरण गुप्त साकेत खड़ी बोली हिंदी 9 रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र खड़ी बोली हिंदी व्याकरण व्याकरण ही वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्रदान करता है प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है और अपना व्यवस्थित रूप भी किसी भाषा को नियमबद्ध करने के लिए उसका व्याकरण अत्यावश्यक है व्याकरण का अध्ययन चार प्रमुख स्तरों पर किया जाता है व्याकरण व्याकरण रूप, रूप के चार रूप होते हैं। एक वर्ण विचार, दो शब्द विचार तीन पद विचार चार वाक्य विचार व्याकरण के उपरोक्त सभी अंगों का विस्तृत परिचय विद्यार्थियों को आगे के अध्यायों में मिलेगा मानक भाषा समय के साथ साथ भाषा के कुछ अक्षरों तथा शब्दों में अनेक रूपता तथा भ्रम प्रचलित हो जाते हैं ऐसे में समाचार पत्रों पत्रिकाओं पुस्तकों टेलीविजन एवं रेडियो आदि में प्रयुक्त तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा मानक भाषा कहलाती है हिन्दी में भी कुछ वर्णों तथा शब्दों के दो दो रूप प्रचलित हो गए हैं जैसे वर्ण अ ख शुद्ध, झंडा रुपए, गए, नई गई चाहिए जाएंगे, अंत संबंध सुंदर डंडा पंडित इनमें मुद्रण टंकर सुविधा तथा प्रचलन की दृष्टि से सही द्वारा दर्शित रूप स्वीकार किया गया है यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडो क्लासेस थैंक यू फॉर वॉचिंग